हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिविक्स फोर्थ चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ इलेक्शंस एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक एंड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शंस. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Elections are held in India in Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly regularly after every 5 years. India में जो election system है उसमें Lok Sabha और Vidhan Sabha के elections होते हैं directly, जिसमें directly लोग vote देते हैं और ये हर एक 5 साल के बाद होता है. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. और इसी तरीके से जो एक टाइम पर representatives elect किए जाते हैं वो 5 साल बाद उनका जो टाइम होता है, working time होता है, वो ख़त्म हो जाता है. Elections held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days, is called general election. अब इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो दो टाइप से होते हैं. एक इलेक्शन ऐसा होता है जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन या फिर कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं या हेल्ड किए जाते हैं, उन्हें जनरल इलेक्शंस कहते हैं. समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड, जो दूसरे तरीके के इलेक्शंस होते हैं, कभी कभी इलेक्शंस किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं टू फिल द वैकेंट सीट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये वैकेंट सीट क्यों होती है? कॉस्ट ऑफ डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ होने पर या फिर उसके रेजिग्नेशन देने पर अपनी पोस्ट से, इसी वजह से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हेल्ड करवाए जाते हैं. तो इस तरीके के इलेक्शंस को बाय इलेक्शन कहा जाता है. अब हमने एक टर्म इसमें देखा, कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं? वोटिंग पर्पज से जो पूरा एरिया होता है, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लें तो उसे वोटिंग पर्पस की वजह से कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और इन्हीं डिवाइडेड पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है उन्हीं लोगों के थ्रू जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं. इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन. इंडिया को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है. किस पर्पज़ के लिए? इलेक्शंस के पर्पज़ के लिए. दीज एरियाज़ आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इन्हीं एरियाज़ को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है. द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव. और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग रहते हैं जो एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, उन्हें वोटर्स कहा जाता है. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोटर्स होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है. इसका मतलब यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होता, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर वो रहता है वहाँ से वो वोट दे सकता है. तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ क्लियर्ड फॉर लोकसभा. अब हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है, और साथ ही साथ हम उस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे जिस में इंडिया में इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं, जिन बेसिस पर. फॉर लोकसभा इलेक्शंस इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी. लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पार्लियामेंट में टू हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के जो वोट्स होते हैं उनके थ्रू होते हैं. और लोकसभा इलेक्शंस के लिए इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है. इसका मतलब है पूरी कंट्री से लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो 543 होते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP. और हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MP कहा जाता है.
each state is divided into specific number of assembly constituency. और इसी तरीके से state, जैसे इंडिया divided है 543 constituency में for the लोक सभा election, उसी तरीके से हर एक state भी divide होता है into a specific number of assembly constituency. Members should not be more than 500 and less than 60. और हर एक state से, हर एक constituency से 500 या फिर उस 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए. इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA. और हर एक जो स्टेट असेंबली से इलेक्ट किया गया रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और एन MLA या फिर MLA कहा जाता है. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituency. और हर एक parliamentary constituency में कई assembly constituency होती है. और इसी तरीके से जैसे country लोकसभा के लिए divided है different constituency में, उसी तरीके से states भी different constituencies में divided होते हैं assembly elections के लिए. उसी तरीके से जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि पंचायत के लिए म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, इसमें भी जो एरिया होता है विलेज या टाउन, वो भी सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड रहता है और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को वार्ड्स कहा जाता है. ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडीज. और हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है विलेज से और अर्बन लोकल बॉडी से. अर्बन मतलब सिटी. Sometimes these constituencies are counted as seats. और इन्हीं constituencies को local language में seats कहा जाता है. For each constituency represent one seat in the assembly. इस तरीके से हमने बात कर ली कि किस तरीके से वोट होते हैं, किस तरीके से वोट्स के लिए पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया गया है ताकि उस एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाए. अब हम बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की. इंडियन जो इलेक्शंस होते हैं उसे डेमोक्रेटिक बनाने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिसी को अपनाया गया है. अब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कुछ ऐसे एरियाज जो एजुकेशनली इतने डेवलप नहीं हैं, फाइनेंशियली डेवलप नहीं हैं, उनके भी राइट्स को पॉलिटिकली देने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट लाया गया. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं. इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC एंड 47 फॉर द ST. लोकसभा में 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है. इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में जब कोई कैंडिडेट कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के ही, अगर वो एरिया रिजर्व है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही लोग वहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट, इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व है ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट, वहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कैंडिडेट ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. Only those belong to the scheduled tribe can contest an election from a constituency reserved for ST. और इसी तरीके से same rule scheduled tribe के लिए भी है. In many states, seats in rural, panchayat and urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes and women candidates as well. और पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ भी रिजर्व होती है OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए,
उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं ओबीसी से, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर विमेन। तो इसी तरीके से ऐसे ग्रुप सोसाइटी में जिन्हें पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए रिजर्व की गई है सीट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो एजुकेशनली इतने डेवलप नहीं हैं और फाइनेंशली इतने डेवलप नहीं हैं ताकि जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है सोसाइटी का वो उन्हें सप्रेस ना करे, इसीलिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन लोगों के लिए रिजर्व सीट रखी जाती है ताकि इनके राइट्स डिप्राइव ना किए जाए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का या इंडियन इलेक्शन सिस्टम का, वो आता है वोटर लिस्ट। अब जब डिफरेंट एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शन के बेस पर, अब बारी आती है वोटर्स लिस्ट की। वोटर लिस्ट क्या होता है? इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन व्हिच इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। ऑफिशियली वोटर्स लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहा जाता है और कॉमनली इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इलेक्शन होने से पहले ही एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है जिसमें वो नेम मेंशन होते हैं हु आर एलिजिबल टू गिव वोट। उन लोगों के नाम होते हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं और इसी लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहा जाता है या फिर वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे लोग जो एलिजिबल है वोट्स देने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। अब वोटर्स जो होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि उनके पास इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हो जब वो वोट देने के लिए जाए। ये एक तरीके का पहचान पत्र होता है कि ये इंसान एलिजिबल है और ये इस एरिया से बिलोंग करता है, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। और इसीलिए भी होता है ताकि जो एलिजिबल है वही वोट दे, ना कि उसके बदले कोई और वोट दे दे। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग एज वोटर कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन ये कार्ड इतना ज़रूरी नहीं होता, आइडेंटिटी शो करने के लिए कई अदर प्रूफ्स भी लिए जा सकते हैं लाइक द रेशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। तो वोटर लिस्ट भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो किस तरीके से एलिजिबल होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटी होनी चाहिए और वो किस तरीके से नॉमिनेट होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। कोई भी एक इंसान जो वोटर है, मतलब जो वोट देने वाला है, वो कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शन का। द कैंडिडेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स एज। जिस तरीके से वोटर की 18 ईयर्स एज होती है उसी तरीके से कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। एवरी पर्सन हु विशेज टू कॉन्टेस्ट एट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल आउट अ नॉमिनेशन फॉर्म। कोई भी इंसान जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे नॉमिनेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है एंड गिव सम मनीज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसे देने होते हैं सिक्योरिटी के लिए। द कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, और कैंडिडेट को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है अपनी, जैसे कि सीरियस क्राइम केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस अगर चल रहा हो तो उसके बारे में बताना होता है। डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली, और कैंडिडेट्स के क्या प्रॉपर्टी है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसकी फैमिली की कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी डिटेल देनी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, और साथ ही साथ कैंडिडेट की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये भी देना होता है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है ऐसे मेंबर को, ऐसे इंसान को जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है. दिस इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक सो दैट वोटर्स कैन मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताई जाती है, पब्लिक को भी अवेलेबल कराई जाती है ताकि वोटर डिसीजन ले सके कि किस कैंडिडेट को वो इलेक्ट करना चाहते हैं. अब हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन की. जैसे ही नॉमिनेशन हो जाते हैं कैंडिडेट्स के, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं. इलेक्शन कैंपेन्स जिसमें कि डिफरेंट पार्टीज़ अपना एजेंडा लोगों को बताती है, अपना पर्पस बताती है कि अगर वो इलेक्ट की जाएगी, अगर उनके उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे तो वो सोसाइटी के लिए, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम करेंगे. द इलेक्शन कैंपेन आर कंडक्टेड टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर. इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं इसलिए ताकि डिस्कस किया जा सके ओपनली कि कौन अच्छा है. रिप्रेजेंटेटिव एंड इन टर्न विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट. और फिर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं, वो ये लोगों को बताते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी. इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2-week period between the announcement of the final list of candidates. India में जो election campaigns शुरू किए जाते हैं वो 2 weeks के बीच में शुरू किए जाते हैं, जैसे ही final list में candidates के नाम को announce किया जाता है. और या फिर जो date of polling होती है, जिस दिन vote दिए जाते हैं, voting date, और जब उन कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हो जाते हैं जो पॉलिटिकल जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद 2 week का टाइम दिया जाता है जब इलेक्शन कैंपेन्स हेल्ड किए जाते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स. इस पीरियड में ही जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने वोटर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शंस मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. इसी टाइम पर पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्शंस मीटिंग हेल्ड करवाते हैं जिसमें वो भाषण देते हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करती है. सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन वेरियस इलेक्शंस. कुछ स्लोगन्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू जो बहुत कैची होते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर, टिलर मतलब किसान, किसान की ज़मीन, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. अकॉर्डिंग टू इंडिया इलेक्शंस लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन. इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन लॉ जो होता है, इलेक्शन का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी ये काम नहीं कर सकती, जैसे कि ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. वोटर्स को ब्राइब नहीं दे सकती या फिर उसे डरा नहीं कर सकती. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. कास्ट या फिर रिलीजन के नाम पर वो लोगों से वोट नहीं मांग सकती. यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन. गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकती. स्पेंड मोर देन 20 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन. और लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 lakh से ज़्यादा और असेंबली इलेक्शंस के लिए 10 lakh से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती. इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी डज सो द इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का काम करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट कर दिया जाता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से. इन एडिशन टू द लॉ All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for elections. जो कानून है elections का इंडिया में, all the political parties in our country have agreed. उन्हें ये इन rules को मानना ही होता है. ऐसे rules जो declare किए जाते हैं model code of conduct इस नाम से.
According to this, no party or candidate can or in मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे कि यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए या इलेक्शन के एडवर्टाइजमेंट के लिए वो किसी भी वर्शिप प्लेस को यूज़ नहीं कर सकती, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स आर एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, किसी भी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर को गवर्नमेंट व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट को वो यूज़ नहीं कर सकती अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए या इलेक्शन कैंपेन के लिए। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, और एक बार अगर इलेक्शन के बाद का अनाउंसमेंट हो जाता है, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी मिनिस्टर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में नेक्स्ट स्टेप आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग मतलब वोट देना और उसके बाद वोट्स की काउंटिंग्स होती है। जब एक बार इलेक्शन कैंपेन्स हो जाते हैं उसके बाद वो दिन आता है जब वोटर्स वोट देने के लिए जाते हैं। द डे वेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट इज कॉल्ड इलेक्शन डे, उस दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है जब वोटर्स वोट देने के लिए जाते हैं और अपना वोट देते हैं। द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर, वोटिंग स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ, वो हर इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो अपने एरिया के पोलिंग बूथ में जाकर मतलब पोलिंग एरिया में जाकर उस एरिया में जाकर जहाँ पर वोट दिए जाते हैं वहाँ पर जाके वोट दे सकता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और जब वो बूथ के अंदर चले जाता है वहाँ पर जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो उसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि उसके फ़ोटो आइडेंटिटी लेकर या राशन कार्ड लेकर उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी फिंगर में मार्क लगाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसने वोट दे दिया है, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसके बाद से अलाउ किया जाता है कि वो जाकर वोट दे। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. और एक agent of each candidate is allowed. हर एक candidate के एक agent को allow होता है कि वो अंदर polling booth में बैठे और ये ensure करे that the voting take place in a fair manner. कि voting fairly हो रहे हैं या नहीं। The ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party names and symbols are listed. और जो वोट देने का सिस्टम होता है कि किस तरीके से जो वोटर्स होते हैं वो वोट कैसे देते हैं, इसके लिए एक बैलेट पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट का नाम और उसकी पार्टी का जो सिंबल होता है वो उसमें मेंशन होता है, और इसी पेपर को बैलेट पेपर कहा जाता है। द बैलेट पेपर वॉज़ यूज अर्लियर, लेकिन इस तरीके के जो बैलेट पेपर होते थे वो पहले के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं। नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे EVM भी कहा जाता है आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, इस मशीन के थ्रू वोटर अपना वोट कास्ट करता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल, इस मशीन में भी कैंडिडेट का नाम और उसका पार्टी सिंबल होता है। द वोटर हैज़ टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट शी वॉन्ट्स टू गिव हर वोट टू, जिस भी कैंडिडेट को वोटर वोट देना चाहता है उसके नाम के आगे जो बटन होता है उसे प्रेस करना होता है। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस, जैसे ही जो पोलिंग है वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो EVMs होते हैं उन्हें सील्ड किया जाता है और उसे एक सिक्योर प्लेस में भेज दिया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर ऑल द EVMs आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और कुछ दिन बाद इन EVMs को ओपन किया जाता है और उसके बाद वोट्स को काउंट किया जाता है गिवन बाय द कैंडिडेट। द कैंडिडेट
who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. और किसी भी constituency से जिस भी candidate को highest votes मिलते हैं उसे elect declare किया जाता है, वो elected माना जाता है.